हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा अप्रैल में शुरू नहीं हो पाएगी, मई से शुरू होगी, क्योंकि जो आरआरबी एनटीपीसी का छठा फेज है उसमें सिर्फ 6 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देंगे और उसके बाद भी लगभग 12 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए रह जाते हैं। तो दोस्तों, जो छठा फेज है वो 1 से 8 अप्रैल तक होगा और उसके बाद 7वां फेज होगा, और अगर उसमें भी सारे अभ्यर्थी कवर नहीं हो पाते हैं तो उसका 8वां फेज भी होगा आरआरबी एनटीपीसी का। तो दोस्तों, जो अप्रैल का महीना है वो पूरा महीना आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में निकल जाएगा और उसके बाद ही मई के पहले सप्ताह से या दूसरे सप्ताह से ग्रुप डी की परीक्षा शुरू हो पाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो पे लोगों ने कई तरह के कमेंट किए हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि अब मुझे थोड़ा और टाइम मिल गया है, मेरी तैयारी पूरी नहीं थी तो मैं तो इससे खुश हूँ, और कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि मैं तो पढ़ पढ़ के पागल हो जा रहा हूँ और पता नहीं ग्रुप डी की परीक्षा कब होगी, ऐसा ना हो कि 2022 में हो। तो मैं उनके लिए बता दूं कि अगर आपने तैयारी की है तो ये अच्छी बात है, और अगर आप थोड़ी और तैयारी कर लेंगे तो आपके लिए और अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आप पढ़ाई करते हैं, किसी भी तरह की पढ़ाई करते हैं, अगर आप और ज़्यादा करेंगे पढ़ाई तो आपके लिए वो नुकसान नहीं करेगी, फ़ायदा ही करेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने जब से फॉर्म भरा है तब से लेके अभी तक इंतज़ार किया है, लगभग 2 साल इंतज़ार किया है, तो आप थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए बस, ठीक है। और दोस्तों, अब आपको हमारे चैनल पर ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मटेरियल होगा उससे आपको वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपको आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी और वीडियो देता रहूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।